फ्रेंड्स, आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि अपना पीएफ अमाउंट को कैसे क्लेम किया जाता है या फिर ऑनलाइन कैसे उसे विड्रॉल किया जाता है। यदि आप भी अपना पीएफ अमाउंट को विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर किसी कारणवश आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और आप अपना पीएफ अमाउंट को विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बने इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में और स्टेप बाई स्टेप अच्छे से जानेंगे कि कैसे अपना पीएफ अमाउंट को विड्रॉल किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पीएफ अकाउंट को विड्रॉल करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी है जिसे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बात कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका जो अकाउंट है उसमें केवाईसी होना चाहिए, जैसे कि उसमें बैंक अकाउंट और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। और तीसरी बात कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि इतना सारा कुछ आपके पास है तब आप अपना पीएफ अमाउंट को इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, अपने पीएफ को विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ के साइट पे चले जाना है या फिर इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाइएगा। ठीक फ्रेंड्स, आने के बाद अपना यहाँ पर यूएन नंबर डालना है। डालने के बाद जो भी अपना पासवर्ड को क्रिएट किए हो वो फिल करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है। करने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि पीएफओ में हम सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे जो भी हमारा प्रोफाइल डिटेल्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे वन मेंबर ऑफ ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र। यदि आप अपना एक ईपीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और जो आपने क्लेम किया है उसे ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। तो हमें अपना पीएफ अमाउंट को विड्रॉल करना है तो हम यहाँ पर क्लेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक नई डिवाइस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका मेम्बर डिटेल्स और केवाईसी डिटेल्स ये दोनों यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपके यूएन अकाउंट में जो भी आपका बैंक अकाउंट को लिंक किया गया है या फिर जो भी उसे ऐड किए हैं उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिल करना है। अदरवाइज ये अपना दूसरा अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा। तो जो आपके बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक है उसी नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक वार्निंग शो हो गया कि जो भी आपके बैंक अकाउंट शुरू में डिस्प्ले किए जा रहे थे, यानी कि ईपीएफओ अकाउंट में जो भी आपके बैंक अकाउंट लिंक है उसी अकाउंट को यहाँ पे फिल करना है। यदि आप वही अकाउंट को फिल कर रहे हैं तो जो भी एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया डिवाइस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स शो हो जाएंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, यूएन नंबर, आपका नाम, उसके बाद पेन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस भी डेट में आप ज्वाइनिंग किए वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर, मतलब आप पीएफ में क्या चीज़ विड्रॉल करना चाहते हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए, मेरे में यहाँ पे शो हो रहा है कि पीएफ एडवांस फॉर्म 31। यदि आप अपने कंपनी से रिटायर हो चुके हैं या फिर आप किसी कारणवश इस कंपनी को छोड़ चुके हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट की ज़रूरत पड़ती है। वो यदि आप इसमें फिल कीजिएगा तो इसमें आपको और भी ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में शो होगा कि वनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में शो होगा कि वनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 10C। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में शो होगा कि मंथली पेंशन फॉर्म 10D। उसके बाद यहाँ पे नीचे में शो होगा कि पीएफ एडवांस फॉर्म 31। तो हमारे में यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 ही शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे और भी ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक स्कैनर, चेकबुक या फिर पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस पे क्लिक करना है, और जिस भी कंपनी आप सर्विस कर रहे थे उसमें आपका जो भी मेंबर आईडी नंबर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप जिस भी पर्पज़ के लिए इस पीएफ अमाउंट को विड्रॉल करना चाहते हैं वो यहाँ से कारण सेलेक्ट करिए, जैसे कि आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19, नॉन रिसीव ऑफ वेज, नेचुरल क्लेमिट्स, इलनेस, पावर कट, परचेज ऑफ हैंडीकेप्ट रिक्वायरमेंट। आप जिस भी पर्पज़ के लिए इसमें ऐसे विड्रॉल करना चाहते हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पे अपना अमाउंट फिल करना है कि आपको कितनी अमाउंट की ज़रूरत है। याद रहे कि आपके जो भी पीएफ अमाउंट है उसमें से आप 90% के ईपीएफ को विड्रॉल कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी आप फिल भी कर सकते हैं, जितने भी आपके 90% होगा उतना आपके पीएफ अकाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर अपना अमाउंट को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉई एड्रेस मांग रहा है कि आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ से आपको फिल कर लेना है। जब अपना यहाँ पे सारा एड्रेस को फिल कर लीजिएगा तो यहाँ पे बोला कि आपको एक पासबुक या फिर चेकबुक का एक फ़ोटो कॉपी को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो पहले से आप स्कैन करके रखे हुए हैं तो आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी रखे हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्कैनड कॉपी अपलोड करने के बाद यदि उस कॉपी को यहाँ से देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है और आप उस जो भी कॉपी को अपलोड किए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। आने के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सिंपली आपको इसे एक्सेप्ट करना है। जैसे कि जो भी अपने डिटेल्स को फिल किया है यदि वो सारा डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज शो हो गया है कि OTP हैज वेरीफाइड, EKYC अपडेट, PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद जो भी अपने डिटेल्स को फिल किया है यदि उसका कोई PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर उसे देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक PDF फॉर्म शो हो जाएगा। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे देखना चाहते तो देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरी जानकारी मिल गई होगी कि अपना PF अमाउंट को कैसे विड्रॉल किया जाता है या फिर ऑनलाइन कैसे उसे क्लेम किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए ₹2 नहीं लगते हैं और जो भी मैं नया वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपके पास मिल जाएंगे और आप उस वीडियो का भी नॉलेज ले पाइएगा। ठीक फ्रेंड्स, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए।